चलतो एम्बुलेंस को लेकर बीते कुछ दिनों से बिहार में बार बार सरकार निशाने पर है। कई तरह के बहाने भी देखे गए और एक के बाद एक कई एक्सपोज भी किए गए। लगातार एम्बुलेंस को लेकर सरकार को लोग घेर रहे हैं, विपक्ष के नेता घेर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पप्पू यादव भी घेर रहा है। लेकिन इस एम्बुलेंस प्रकरण के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि बार बार लोग पप्पू यादव के द्वारा एम्बुलेंस को लेकर किया गया वह एक्सपोज उसको याद कर रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो है वह पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा की है, जहां पर कूड़ा गाड़ी में एक मरीज को जो है उस पर रखकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। बगहा के अस्पताल में परिजन पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला, स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसके बाद अब उन्हें कूड़ा गाड़ी में रखकर ले जाया गया है। ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है वह नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से भी आई थी, जहां पर एक कूड़ा गाड़ी में जिसमें कचरा ढोया जाता है, उस गाड़ी में मरीज को लेकर जाया जा रहा था, तो कहीं पर शव ढोया जाता है, कहीं साइकिल से ढोने की तस्वीर सामने आई। तो ऐसी सैकड़ों तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है। एक तरफ बार बार तमाम जो सरकार के नेता हैं वह यह कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पूरी तैयारी पहले से की जा चुकी है और तमाम व्यवस्थाएं जो है वह हो चुकी है। लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि मामले बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि जिस तरीके से बहानेबाजी की गई, बीते दिनों यह कहा गया था, जब रूडी का मामला अगर हम कहें, जो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को लेकर जो खुलासा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो ड्राइवर है उसकी कमी है जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है। उसके बाद उन्होंने फिटनेस को लेकर कहा कि फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है, इसलिए ये सब एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां संसद फंड से जो भी एम्बुलेंस निकाले गए हैं वह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका यूज नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में जहां सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस बर्बाद हो रहा हो, वहां पर ऐसी तस्वीर आती है तो लोगों का गुस्सा होना जायज है। आप एक बार फिर से वह तस्वीर देखें, देख सकते हैं किस तरीके से पश्चिमी चंपारण के बगहा की यह तस्वीर है, जहां पर कूड़ा गाड़ी में महिला मरीज को उनके परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। इस तस्वीर के आने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और सरकार पर लोग जमकर गुस्सा दिखा रहे हैं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।